एजे ने खाया स्टोन कोल्ड स्टनर 24/7 टाइटल हुआ फिर से चेंज और जाने के क्या कुछ बड़ा हुआ आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स एज। जी तो दोस्तों भाइयों, आज की रॉ हो चुकी है खत्म और मेरे हिसाब से काफी ठीक ठाक रॉ रही, इतनी खास ये नहीं थी, चीजें काफी स्मूथली हुई बजाय इसके कि चीजों को एक्सट्रीम किया जाए। रॉ की शुरुआत होती है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की एंट्री के द्वारा। आज MSG में ये इवेंट हो रहा था, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को शुरू में डालना जरूरी था। स्टोन कोल्ड रिंग में आए और फिर दोस्तों वहां पुरानी यादों को वो ताजा किए। इस दौरान दोस्तों स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन सेथ और ब्रॉन को ज्वाइन करते हैं जो कि दोस्तों वहां कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए आ रखे थे। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि तभी दोस्तों वहां आ जाते हैं OC के मेंबर्स और AJ स्टाइल्स, जहां क्या देखने को मिलता है कि AJ स्टोन कोल्ड को कहते हैं पुराना पाद यानी कि ओल्ड फार्ट, जिस पर दोस्तों स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को आ जाता है गुस्सा और उसके बाद वो छोड़ देते हैं ब्रॉन और सेथ को OC के ऊपर और खुद लगाते हैं एक स्टोन कोल्ड स्टनर और वो लगता है AJ को, AJ हो जाते हैं चित। इसके बाद दोस्तों हमें मैच देखने को मिला है जहां AJ रिंग के अंदर ही पड़े हुए थे, सेड्रिक अलेक्जेंडर रिंग में आते हैं, सेड्रिक वर्सेस AJ होता है जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि फिर से OC वहां इंटरफेरेंस करती है और OC के इंटरफेरेंस के चलते मैच DQ में खत्म हो जाता है, जिसके बाद दोस्तों वाइकिंग रेडर्स वहां आ जाती है सेड्रिक अलेक्जेंडर की मदद के लिए। वो सेड्रिक को बचाते हैं, OC को भगाते हैं और इससे साफ हो गया है कि जो वाइकिंग रेडर्स है वो एक फेस टीम है। यहां दोस्तों हमें अगली चीज क्या देखने को मिली है कि रोमन रेंस की एंट्री हुई जो कि एक सरप्राइज के जैसी थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं हो पाएंगे इस रॉ में, तो ऐसे में रोमन रेंस को बुलाया गया था कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। वहां दोस्तों रोमन रेंस क्या बोले कि उनकी जर्नी काफी लंबी रही कैंसर के साथ और ऐसे में अब वो लोगों को कैंसर के प्रति यानी कि ल्यूकीमिया के प्रति जागरूक करना चाहते हैं और ऐसे में दोस्तों वो हमें छोटे लड़ाकों से मिलाते हैं यानी कि उन छोटे बच्चों से मिलाते हैं जो कि कैंसर से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यहां दोस्तों रोमन रेंस ने काफी अच्छा कार्य किया, कैंसर काफी घातक बीमारी है और उसके प्रति लोगों को जागरूक किया WWE जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर। बात कर लीजिए उसके बाद क्या हुआ, गाइस उसके बाद जो चीज हमें अगली देखने को मिली वो थी दोस्तों शार्लेट फ्लेयर और बैकी लिंच वर्सेस बेली और साशा के बीच में एक टैग टीम मैच, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ये मैच काफी अच्छा हुआ है दोस्तों और इसके अंदर लोग चिल्ला भी रहे थे दिस इज ऑसम मैच, बेहतरीन होने के साथ साथ इसका एंड काफी अच्छे तरीके से हुआ है, जहां शार्लेट फ्लेयर ने अपना फिनिशर यानी कि नेचुरल सिलेक्शन लगाया बेली को और उनकी हो गई पिन, जिसके चलते शार्लेट और बैकी ने क्लैश ऑफ चैंपियन से पहले एक तगड़ी जीत अर्जित की। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हमें जो चीज देखने को मिली वो थी दोस्तों रे मिस्टीरियो का मैच जो कि ग्रैंड मेटालिक के खिलाफ हुआ, जिसके अंदर रे मिस्टीरियो जीत गए। इसके बाद एक और मैच रखा गया था जो कि था दोस्तों रिकोशे वर्सेस समोआ जो वर्सेस आपके कॉर्बिन के बीच में, जो कि सभी जानते हैं कि क्वालिफायर था किंग ऑफ द रिंग के लिए और इसके अंदर काफी बड़ा शॉक देखने को मिल गया, जहां रिकोशे अपना फिनिशर लगाते हैं समोआ जो को, लेकिन कॉर्बिन रिकोशे की टांग पकड़कर उन्हें रिंग से निकालते हैं और खुद कर देते हैं वहां पिन समोआ जो कि कॉर्बिन सेमीफिनाले में क्वालिफाई कर गए हैं और अब वो मेरे अनुसार प्रबल दावेदार बन चुके हैं इस बारी का किंग ऑफ द रिंग जीतने के। बात कर लीजिए इसके बाद क्या हुआ, तो गाइज इसके बाद एक और मैच देखने को मिला जो कि खासा अच्छा नहीं था, वो था नटालिया वर्सेस लेसी के बीच में, जिसने नटालिया ने दोस्तों अपना शार्प शूटर लगाया और वहां लेसी कर गई टैप आउट। इसके बाद जो अगली चीज थी वो थी दोस्तों हमारे आर्थ्रुत का सेगमेंट यानी कि 24/7 टाइटल वाला सेगमेंट, जहां क्या देखने को मिला कि बॉस्टन के जो बास्केटबॉल प्लेयर है वो रिंग के अंदर आते हैं, उनका नाम था दोस्तों NS कैंटर, काफी लंबे थे देखने में और उन्हें ज्वाइन करते हैं आर्थ्रुत। आर्थ्रुत को लगता है कि वो उनके दोस्त है, लेकिन दोस्त ने ही धोखा कब दे दिया उन्हें पता नहीं चला, कैंटर ने दोस्तों उन्हें गिराया और उनकी कर दी पिन, जिसके बाद आर्थ्रुत से रहा नहीं गया, उन्होंने रोल अप लगा दिया कैंटर को और फिर से बन गए 24/7 चैंपियन। तो आर्थ्रुत बार बार चैंपियन बन रहे हैं, लगता है 100 बार चैंपियन बनेंगे। बात कर लीजिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हमें फायरफ्लाय फन हाउस का सेगमेंट देखने को मिला है, जहां दोस्तों ब्रे वाइट ने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को टीज किया, क्या देखने को मिला कि उनके जो पपेट्स है वो स्टोन कोल्ड को स्ट्रेंजर बोलकर डरे हुए थे, लेकिन ब्रे ने उन्हें समझाया कि स्ट्रेंजर जो होते हैं वो हमारे दोस्त ही होते हैं, बस वो अनजान होते हैं, उनसे मिलना जरूरी होता है,
जिसके बाद ये सेगमेंट भी निपट गया और हमें मेन इवेंट के दर्शन हुए। मेन इवेंट था दोस्तों 10 मैन टैग टीम मैच, जिसके अंदर एक तरफ टीम थी एजे, ओसी और आपके रूड और डॉल्फ ज़िगलर की, वहीं उनके खिलाफ थे सेथ, ब्रॉन स्ट्रोमैन और आपके वाइकिंग रेडर समेत सेड्रिक अलेक्जेंडर, और ये 10 आपस में लड़े और मैच का अंत हुआ सेड्रिक अलेक्जेंडर के लंबार जैक के जरिए, जहां दोस्तों पिन हो गई एजे की और वहां सेथ की टीम विजय रही। जिसके बाद दोस्तों स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने सभी को ज्वाइन किया और बियर बैश चालू हो गया। रॉ का अंत काफी अच्छे तरीके से हुआ, जो कि मुझे काफी बुरा लगा है क्योंकि कुछ ज्यादा ही फेस रेसलर्स का आज बोलबाला था। क्लैश ऑफ चैंपियन से पहले आपस में लोग भिड़ने चाहिए थे, वो चीज नहीं हुई। आप कितने स्टार देंगे आज की रॉ को, कमेंट करके बताएगा जरूर। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ खैर।